फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा टिप देने जा रही हूँ जिससे मैंने अपनी स्किन को जवान और खूबसूरत रखा हुआ है। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो हैं बेसन, लीमू और दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ऐसा करना है आपने कि वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और ताकि इस वीडियो के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने ले लिया है नींबू का रस, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये थोड़ा ड्राई है क्योंकि इसका इतना सीज़न नहीं है अभी। सीज़न तो है वैसे इसका, लेकिन ना मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था, लेकिन जैसा भी था मैंने इसको निकाल लिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेसन, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे हाथ में एक स्पून जो है बहुत होगा। आपने अपनी गर्दन पे भी अप्लाई करना है इसको, और इसको अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे, आपने जो है जो गर्दन को आप इग्नोर कर देते हैं, गर्दन को और पाँव को, फेस की जो आपकी गोल्ड की होती है वो आपकी वाइट होती है और बाकी सारी चीज़ें आपकी ब्लैक होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो आपने अपने पाँव को, हाथों को और गर्दन को इस चीज़ में भूलना बिल्कुल नहीं है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालने लगी हूँ, और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई भी नहीं डाली, इसको अच्छे से जो है मिक्स होने देना है। जैसे ही ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा, तो बस आपने इसको जो है फेस पे अप्लाई कर देना। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि बिफोर और आफ्टर जो है इसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी टाइप बन गया। इतना आपने पानी डालना है कि ये आपकी स्किन पे स्टे कर जाए बिल्कुल, यानी पतला भी ना हो। और उससे पहले जो मेन चीज़ है, आपने अपने बालों को अच्छे से कवर कर लेना है। मैंने आज टाई नहीं किए, मैं आपको भी करके बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं अब किया करूँगी देन मैं पहले ही उसको जो है कर लिया करूँगी टाई करके, और जो मैंने अपने नैपकिन वगैरह बांधना है वो मैं बांध लिया करूँगी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, ये मैं अपने बाल जो हैं इनको अच्छे से टाई करूँगी, ताकि मेरे बालों को बिल्कुल भी लगे ना कुछ भी। आपको बालों पे अप्लाई करने की भी चीज़ें बताऊँगी, आप कैसे इनका वॉल्यूम जो है वो आप कर सकते हैं। बस आपने ये कि अपनी ज़िंदगी के 15-20 मिनट जो है ना डेली बेसिस पे अपने आप को ज़रूर देने हैं। जिधर आप 24 घंटे अपने फैमिली को दे रहे हैं, उसमें आपने जो है अपने लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकालने हैं। अब ये मैं इसको नैपकिन को इधर अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए, इसके बाद मैं करूँगी फेस पे अप्लाई स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कवर हो गया। अब ये देखिए, जो चीज़ आप हाथ के साथ लगा सकते हैं ना, वो आप ब्रश के साथ नहीं लगा सकते। ये देखिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स से आपके सामने डाले हैं ना, ये देखिए, जिनको एक्नी प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इसको 10 मिनट्स रखूंगी मैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, यानी आप इसके ड्राई होने का वेट भी कर सकते हैं। अब मैं इनको हैंड्स पे अप्लाई करूँगी, जो सा मेरे पास है अभी, फिर अपने फीट्स पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए, ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको कोई जो है ना जख्म वगैरह ना आया हो, क्योंकि ये लेमन जो है ये फिर लगता है। तो अगर तो फेस पे आपके कोई पिंपल्स वगैरह हैं तो फिर आपने इसमें एक चुटकी जो है हल्दी ज़रूर डालनी है। आप स्किन पे ग्लो देख सकते हैं, कैसे मेरी स्किन जो है वो शाइन करने लगी है, पहले क्या थी और अभी ये कैसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।